हेलो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने वाला हूँ जो भी आपने सवाल पूछे होंगे। इसलिए वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना और चैनल सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अभी हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। एक भाई ने गुड़गांव की सैलरी पूछी है, अभी मैं गुड़गांव की सैलरी बताता हूँ आपको। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्लिप जोड़ दूंगा जिससे मैंने कस्टमर केयर से बात करी है, वो सैलरी बता देंगे आपको। आप ध्यान से देखना वीडियो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट भाई, गाजियाबाद में सैलरी 26,000 है और वो सैलरी कम 8 घंटे की तो होगी नहीं, 12 घंटे की है। और इसमें लिखा फीस कब देना पड़ता है ज्वाइन होने के बाद। एक भाई ने पूछा है ज्वाइनिंग फीस कब देनी पड़ती है, ज्वाइन होने से पहले या ज्वाइन होने के बाद। तो भाई, आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी तभी आपको, जिस दिन ट्रेनिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ फीस भी पे करनी पड़ेगी और वो आपको एक स्लिप दे देंगे फीस काट के, जितनी आपकी फीस लगेगी उतनी उसमें लिख के स्लिप बना के आपको दे देंगे। भाई, एक भाई ने पूछा है नोएडा का ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस है A43 ए ब्लॉक सेक्टर 2 नोएडा उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 201301, ये पिन कोड है नोएडा का। और कंपनी का नाम है G4S फैसिलिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं। एक भाई ने पूछा है वैकेंसी ओपनिंग होगी, राम भाई ने पूछा है, तो आपके चैनल पर पता चल जाएगा या नहीं। भाई, मेरे चैनल पर मैं आपको सारी नोटिफिकेशन देता रहूंगा, लेकिन वैकेंसीज की मैं बता नहीं सकता क्योंकि वैकेंसी उन वो ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर होता है। अगर ज्यादा होंगी तो वो अपने हिसाब से बता सकते हैं, होती भी हैं तो भी बता देते हैं, नहीं होती तो पता नहीं। इसलिए आप ये वैकेंसीज का वहीं पे पता कीजिए, वो आपको वैकेंसीज का वहां पे ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। मुझे भी, मैं भी जॉब करता हूँ यार, मैं वीडियो के लिए टाइम निकाल पाता हूँ, मैं वहां जाके पता तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप वहीं जाके पता कीजिए। ये गुड़गांव की सैलरी पूछ रहा है एक भाई। भाई, गुड़गांव की सैलरी आप, मैं इस वीडियो के लास्ट में क्लिप जोड़ दूंगा, उसमें पता चल जाएगी आपको सैलरी। एक भाई ने पूछा है कि ये ट्रेनिंग के बाद पेपर क्या होता है प्राइवेट सिक्योरिटी में, मतलब किस तरह का पेपर होगा ट्रेनिंग में। भाई, ये ट्रेनिंग में इस तरह का पेपर होगा, पेपर उनका भी होता है जो 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और पेपर उनका भी होता है जो 12 दिन की देते हैं। और पेपर में वही आता है जो आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए जो भी पढ़ाएं G4S सिक्योरिटी में ट्रेनिंग में, तो वो पढ़ते समय पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखना। वैसे ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता, आसानी आता है, आप कर लोगे, मुझे भरोसा आप पे। ओके भाई। भाई, एक भाई ने नोएडा की सैलरी पूछा है, मुन जो भी इसका नाम है, इन्होंने पूछा है नोएडा में सैलरी क्या है। तो नोएडा में सैलरी भाई 26,647 एवरेज सैलरी है। ओके भाई। एक भाई ने पूछा है सैलरी कब इंक्रीज होती है। भाई, सैलरी कब इंक्रीज होती, कितने मंथ से अभी वैकेंसी है या नहीं। भाई, वैकेंसी तो अभी कहीं नहीं चल रही, गुड़गांव में चल रही है, और सैलरी इंक्रीज 1 साल में होती है, 1 साल में सैलरी इंक्रीज होती है। भाई, बिहार में कितनी सैलरी है। भाई, मैंने बिहार में भी पूछा है एक वो कस्टमर केयर से, वो क्लिप में लास्ट में जोड़ दूंगा उनकी ऑडियो की, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिहार की कितनी सैलरी है। और एक बात तो और बताना चाहता हूँ, जैसे आप G4S में ज्वाइन हो गए और आपने 1 साल ड्यूटी नहीं करी, जो 2800 रूपये आप देते हो ना, तो 1 साल ड्यूटी करोगे तो वो 2000 रूपये आपको वापस मिल जाते हैं, और नहीं करते तो वो नहीं मिलते। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वैसे आप सभी के अब कमेंट्स खत्म हो गए,
और कोई सवाल हो तो पूछना। सब्सक्राइब माई चैनल, फुल वीडियो वॉच किया करो। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई फुल वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय। हेलो। हेलो जी, बताइए। सर मैं गुड़गांव में ज्वाइन होना चाहता हूँ G4S में। तो मैं सैलरी के बारे में जानना चाहता था। क्या नाम है आपका? रॉबिन। कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में तो वैकेंसीज नहीं है रॉबिन। गुड़गांव में? हाँ, वहाँ पे मिलेगा 12,000, 8 घंटे का शिफ्ट है, 26 दिन। 8 घंटे के 12,000? और 12 घंटे कितने हैं सर? 12 घंटे की ड्यूटी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी। और मुझे बिहार की सैलरी और जाननी थी। हेलो जी सर, बिहार की सैलरी भी बता दीजिए। बिहार का कम मिलेगा, वहाँ पे 7-8 हज़ार आई है। 7-8 हज़ार? वो 12 घंटे की वहाँ पे होती है? नहीं होती। नहीं है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू।